Hey guys, welcome to my channel WB Free Math Solution. This is Sanjana Giri. Today we will start from question number 13 because we have already done up to question number 12. So, आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो. ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं. हाँ, आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि 10 जैसे इम्पोर्टेंट है उसी तरह से ये 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 13 उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, 13 भी बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा ईजी है. ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं कि इम्पोर्टेंट है तो डरना नहीं. ठीक है, इम्पोर्टेंट है लेकिन ईजी है. ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 700 लीटर के एक मिश्रण में तीन प्रकार के तरल में से प्रथम और द्वितीय प्रकार के परिमाण का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 2:3 एवं द्वितीय और तृतीय प्रकार के परिमाण का अनुपात 4:5 दिया है. ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो दिया है 2:3 और सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया है 4:5. यहाँ मिश्र जो हम लोग मिडिल रेशियो निकालते थे, हम लोग मध्य समानुपात, वही यहाँ पे भी है, निकालना है. आप लोग क्लास 7 में बनाए हो इस टाइप का, तो हम लोग पहले इसे इधर करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हम लोगों को पहले बदलना होगा, चेंज करना होगा. ओके, उसके बाद यहाँ दिया है उस मिश्रण में प्रथम और द्वितीय प्रकार के तरल को किस परिमाण में मिलाने पर नए मिश्रण में तीनों के परिमाण का अनुपात 6:5:3 होगा. ठीक है, यहाँ पहले देखो कि यहाँ बोला जा रहा है कि प्रथम और द्वितीय तरल को किस परिमाण में मिलाने पर नया फिर से मिलाया जा रहा है तब हमारा 6:5:3 हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से समझना. यहाँ यानी ये 700 लीटर में पहले हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिक्विड को मिश्रण में से हमें निकालना होगा, उसके बाद यहाँ पे मिलाया जा रहा है यानी ऐड करना होगा, तो हम इससे इसका निकालेंगे. ठीक है, चलो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो हम पहले लिखेंगे कि रेशियो ऑफ फर्स्ट इज टू सेकेंड लिक्विड इक्वल टू रेशियो यहाँ दिया हुआ है 2:3. ओके, और रेशियो ऑफ सेकेंड इज टू थर्ड लिक्विड कितना दिया है, तो दिया है 4:5. आप लोग ध्यान से देखो, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन 7 में कर चुके हैं. 7 में ऐसा हम लोग करते थे, तो इसको क्या करना होता था, ये 3 और 4 हमारा अलग अलग है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, लेकिन कैसे अलग हो गया, रेशियो तो एक होना चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, ये 4 को यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना होता था और इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना होता था. ठीक है, इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा. हम मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिखते हैं 4:2:8:4:3:12. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे यहाँ, यानी कि 4:12:5:3:15. ओके, अब देखो आप लोग कि ये मिडिल मध्य समानुपात, जो मध्य अनुपात है हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन में आप लोग बनाए हो 7 में, तो 12 एक हो जा रहा है, यानी अब हमारा यहाँ से हम लोग निकालेंगे फर्स्ट इस टू सेकेंड इस टू थर्ड रेशियो हमारा कितना हो गया 8:12:15. ठीक है, तो चलो ये बन गया ना. अब यहाँ पे कितना है 700 लीटर से, अब तीनों लिक्विड को ये मिश्रण में से 700 लीटर में कितना है ये हमें निकाल. अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपातिक योग निकालेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सो प्रोपोर्शनल एडिशन अनुपातिक योग इक्वल टू 8:12:15 इक्वल टू 35. ठीक है, अब यहाँ
टोटल कितना दिया हुआ है 700 लीटर। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल टोटल मिक्स्ड लिक्विड इक्वल टू 700 लीटर। ठीक है, 700 लीटर। अब इस 700 में हमारा कितना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हम निकालेंगे। सो फर्स्ट लिक्विड इन द मिक्सचर इक्वल टू हम लिखेंगे अनुपात 8/35 इंटू 700। ठीक है, 35 × 70, सो 20 यहाँ पे हुआ, यानी कि 8 × 2 कितना हो गया 160 लीटर। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड लिक्विड इन द मिक्सचर इक्वल टू 12 × 35 × 700, दैट इज 20। सो 12 × 20 240 लीटर। ओके, तो ये सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड निकल गया। अब हम थर्ड निकालेंगे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड सेकेंड लिक्विड निकल गया है। इसी तरह से हम अमाउंट ऑफ थर्ड लिक्विड इक्वल टू कितना है 15/35 × 700। ओके, 20 × 15 = 30, दैट इज 300 लीटर। ओके, 300 लीटर निकल गया। अब हमारा ये तीनों लिक्विड 700 में निकल गया, 160, 240 एंड 300 लीटर। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम मिश्रण में से प्रथम और द्वितीय तरल को किस परिमाण में मिलाने पर नया जो मिश्रण हमारा बनेगा। अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5:3। पहले रेशियो कितना था जो हमारा निकला, 8:12:15 निकला था। ठीक है, और अब रेशियो इतना हो जाएगा। ओके, तो हम मानते हैं कि लेट एक्स एंड, या फिर हम इस तरह से लिखते हैं, लेट इन फर्स्ट लिक्विड एंड सेकेंड लिक्विड, फर्स्ट एंड सेकेंड लिक्विड आर मिक्स्ड इन द रेशियो x and y रेस्पेक्टिवली। क्रमशः हम लोग फर्स्ट और प्रथम और द्वितीय लिक्विड को हम लोग x और y रेशियो में हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, पहले का रेशियो कितना है 160 में, और x लीटर हम मिलाते हैं तो 160 + x = कितना होगा, ये 240 है, सेकेंड वाला 240 निकला है, और उसका y हमें मिलाना है, और y मिलाना है, सो 240 + y, ओके, = 300। तब हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5:3। ठीक है, इस तरह से हमारा रेशियो हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है तांबा निकेल जस्ता वाला क्वेश्चन नंबर 5, मैंने इसी तरह से बताया था, सेम उसी तरह से यहाँ भी बनेगा, यानी कि इनमें से दो ही लेकर हमें चलना होगा। ओके, तीनों लेकर नहीं चला जाता है। तो हम यहाँ पे सपोज इसको हम लेकर तो हमें चलना ही है, तो फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ न लेकर फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लेंगे, तो इधर से भी हमें 6:3 को ही लेकर चलना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो 160 + x = 300 इक्वल टू फर्स्ट इधर थर्ड भी 6:3। ठीक है, तब 160 + x / 300 इक्वल टू 6/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 160
160 इंटू 3 दैट इज 480, ठीक है, प्लस 3x इक्वल टू 6 3 18 दैट इज 1800। ओके, अब यहाँ 3x इक्वल टू 1800 माइनस 480, ओके, सो यहाँ पे माइनस करके कितना आ रहा है, 1320, ओके, तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 20/3, ओके, 3 से काट के 4 3 12, ओके, तो यहां हमारा x का वैल्यू कितना निकला, 440 लीटर, ओके, यहां हम x का वैल्यू हम निकाल लिए, अब इसी तरह से हमें y का वैल्यू भी निकालना होगा, तो y का वैल्यू निकालने के लिए अब हम सेकेंड और थर्ड को लेंगे, यानी 240 प्लस y बाय, या फिर पहले ऐसे लिख दें, 240 प्लस y इज टू 300 इक्वल टू सेकेंड थर्ड 5:3, ठीक है, तो 240 प्लस y बाय 300 इक्वल टू 5/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 720 प्लस 3y इक्वल टू 1500, ठीक है, यहाँ पे 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 720, सो y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ आया 0780 आया, ठीक है, सो y इक्वल टू 780/3 हो जाएगा, ओके, देखो आप लोग 3 2 6 18 यहाँ हुआ, तो 3 6 दैट इज 260 आया, सो y इक्वल टू 260 लीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो 440 हमारा x का वैल्यू निकला था, तो हम यहाँ लिखेंगे 440 लीटर ऑफ फर्स्ट लिक्विड, 440 ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 260 ऑफ सेकेंड लिक्विड मिक्स्ड, या फिर यहां पे लिखेंगे शुड बी मिक्स्ड, ओके, दैट इज द आंसर, बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है, सो आप लोग इसे अच्छे से करना, और मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।